नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करवाई कोरोना की जांच। यूपी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश सरकार अब तक कई अहम फैसले ले चुकी है। स्वास्थ्य विभाग लगातार सक्रिय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। इन सब के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी एहतियात बरत रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने खुद भी कोरोना की जाँच करवाई। फिल्म उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को मुफ्त मिलेगा राशन। हिंदी सिनेमा फिल्म निर्माताओं की संस्था प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कोरोना से प्रभावित फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए एक सहायता कोष का गठन किया है। याद हो कि महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को ही फिल्म सिटी बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे रईस फिल्म निर्माताओं की संस्था प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया ने कोरोना से प्रभावित फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए एक सहायता कोष का गठन किया है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के मंगलवार से पूरी तरह ठप्प हो जाने के चलते बेरोजगार हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राशन और दैनिक आवश्यकताओं के मुफ्त वितरण करने का ऐलान भी सिनेमा कर्मचारियों के शीर्ष संगठन ने किया है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आज से बंद, अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर प्रतिबंध। कोरोना वायरस के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा आज से बंद कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाली सभी अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी के विवादित पोस्टर मामले में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक गिरफ्तार। लखनऊ के हजरतगंज में अम्बेडकर प्रतिमा के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई भाजपा नेताओं के विवादित पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस ने प्रिंटिंग प्रेस के मालिक अतुल कुमार त्रिवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इससे पहले दो कांग्रेसी नेताओं सुधांशु वाजपेयी और अश्विनी कुमार यादव को जेल भेजा जा चुका है। तीसरा नेता लालू कनौजिया की तलाश जारी है। नकदी से भरे हैं यस बैंक के एटीएम, आज से सामान्य हो जाएगा परिचालन। यस बैंक के नामित सीईओ प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि तरलता के मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है और बैंक के एटीएम नकदी से भरे हुए हैं। बुधवार को शाम को 6 बजे से परिचालन पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा। 5 मार्च को रिजर्व बैंक ने मुश्किल में फंसे निजी क्षेत्र के बैंक पर प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपए की निकासी सीमा सहित कई बंदिशें लगा दी थी। इस बीच आज यस बैंक के शेयर में जोरदार बढ़त देखने को मिल रही है। हमने चुनौतियों को अवसर में बदला, यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले मुख्यमंत्री योगी। उत्तर प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने मीडिया के माध्यम से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 3 साल के दौरान हमने तमाम चुनौतियों को अवसर में बदला है। उन्होंने 3 साल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हमने प्रदेश में हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमने यहाँ निवेश की संभावनाओं को बढ़ाया। अब सभी 75 जिलों में बिजली की आपूर्ति होगी। 1,67,000 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए नोटों से रहे दूर, करें डिजिटल लेन देन, आरबीआई ने ग्राहकों को दी सलाह। रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए नोटों से दूर रहने की सलाह दी है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि नोटों को संक्रमण से बचाने का कोई तरीका नहीं है। लोगों को नोटों के संपर्क में आने से खुद ही बचना होगा। डिजिटल लेन देन इसका सबसे बेहतर तरीका है। महंत व बाबरी के पक्षकार ने एक साथ मांगी दुआ, अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान तेज। कोरोना वायरस के खात्मे को लेकर रामनगरी अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला तेज हो गया है। अयोध्या की गंगा जमुनी तहजीब एक बार फिर बुलंद हुई है, जब कोरोना खात्मे के लिए महंत परमहंस दास व बाबरी के मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने एक साथ पुराण व कुरान का पाठ किया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारियां, करीब 80 सीटों पर है खास फोकस। भाजपा ने प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में ऐसी सीटों पर कब्जा जमाने की रणनीति है जहां उन्हें अब तक जीत नहीं हासिल मिल पाई है। करीब 80 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 और लोकसभा चुनाव 2019 में जीत हासिल नहीं कर सकी। फतेहपुर, लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, निलंबित। फतेहपुर में भ्रष्टाचार रोकने को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के भिंद की तहसील का है। यहां देवरी बुजुर्ग के लेखपाल सुरेंद्रनाथ तिवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में उनका कहना है कि हम कौन से हीरा मोती मांग रहे हैं। लेखपाल की ओर से किसान ने खसरा बनाने के नाम पर रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो खुद किसान ने ही बनाया है। प्रतापगढ़, बाइक सवार युवक को ट्रक ने मारी टक्कर।
लखनऊ वाराणसी राजमार्ग भूपिया मऊ पावर हाउस के समीप बुधवार दोपहर में ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर। कानपुर आरटीओ कार्यालय में यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड में दिखेंगे कर्मचारी। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने सभी ड्राइविंग लाइसेंस रहित युवाओं के लिए राहत भरा ऐलान किया है, जिसके तहत मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के बाद उसको घर तक पहुंचाने के ऐलान जारी किया है, जिससे कि किसी भी आम नागरिक को लाइसेंस बनवाने के लिए अब मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी को पुनः शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पुनः शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। प्रदेश में वर्षों बाद विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। युवाओं को उच्च शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर एवं गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योगी मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर 28 नए निजी विश्वविद्यालयों को आशय पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। कृष्ण भक्तों के लिए इस्कॉन मंदिर 30 मार्च तक बंद, सेवायतों ने दरवाजों पर लगाया ताला। वृंदावन में कोरोना वायरस के चलते इस्कॉन मंदिर को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह निर्णय बुधवार 1 बजे से लागू हो गया है। मंदिर के बाहर के श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी है, केवल मंदिर के पुजारी ही अंदर रहेंगे। इस निर्णय के बाद मंदिर प्रबंधन के अंदर रहने वाले पुजारियों को भी हैंड बैज लगाने का निर्देश दिया गया है। बागपत में आई बहार, मुस्कुराए गुल और हुआ गुलशन गुलजार। कोरोना संक्रमण और डर सुंदर शब्द नहीं है, लेकिन गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप, मेरीगोल्ड, सूरजमुखी और डहेलिया बहुत ही सुंदर और महकते हुए शब्द हैं। महामारी हर वर्ष नहीं आती, लेकिन बहारें हर वर्ष आती है। कोरोना और संक्रमण नियम नहीं है, अपवाद है। बहार कुदरत का नियम है और उसका हर बार आना तय है। मीटिंग से पहले केएफसीएल के निदेशक ने खुद को गोली से उड़ाया। कानपुर फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड के निदेशक एवं पूर्व महापौर अनिल शर्मा के दामाद सुनील कुमार जोशी ने बुधवार सुबह गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सुनील ने यह खुदकशी कंपनी की मीटिंग से ठीक पहले छावनी स्थित कंपनी के गेस्ट हाउस के बाथरूम में खुद की पिस्टल से की। औरैया डबल मर्डर, एसपी ने कोतवाल और चौकी प्रभारी को किया लाइन हाजिर। औरैया जिले के शहर में मोहल्ला नारायणपुर में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की लापरवाही पर एसपी सुनीति ने अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित से जांच करने के बाद शहर कोतवाल आलोक कुमार दुबे और चौकी प्रभारी नारायणपुर नीरज त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। जांच में घटना को रोकने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर पाना पाया गया है। लखनऊ, छात्रों के विरोध जताने के बाद केजीएमयू में सभी कक्षाएं स्थगित, विभागों को बंद करने पर विचार। कोरोना वायरस के चलते केजीएमयू में चल रही एमबीपीएस व बीडीएस सहित सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। बता दें कि इसे लेकर मंगलवार को छात्रों ने नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश लिया गया है। केजीएमयू प्रशासन विभागों को बंद करने पर भी विचार कर रहा है। उन्नाव, दुबई से लौटा युवक सांस लेने में तकलीफ और बुखार आने पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। दुबई से उन्नाव लौटे युवक को सांस लेने में तकलीफ और बुखार आ गया। सूचना मिलते ही एहतियात बरतते हुए स्वास्थ्य टीम ने उसे जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। युवक के ब्लड सैंपल जांच के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। कोरोना के मद्देनजर 6 अप्रैल तक नागरिकों से वसूली नीलामी पर रोक, हाईकोर्ट। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की वजह से आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगले 2 सप्ताह यानी 6 अप्रैल 2020 तक सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं की ओर से किसी भी प्रकार की वसूली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोरोना का प्रभाव, 3 साल के निचले स्तर पर बाजार, 1800 अंक फिसला सेंसेक्स। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। पिछले कई दिनों से बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी था, लेकिन आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 490.75 अंक यानी कि 1.60% की बढ़त के साथ खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 153.30 अंक यानी कि 1.71% की बढ़त के साथ 9120.35 के स्तर पर खुला। शेयर बाजार 3 साल के निचले स्तर पर है। कान्हा की नगरी के लिए भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने संसद में उठाई आवाज। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने शून्यकाल के दौरान लोकसभा में मथुरा को एनसीआर में शामिल करने की मांग दोहराई। कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म और लीला भूमि को पर्यटन विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, जो कि एनसीआर में शामिल होने से ही मिल सकते हैं। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान है पहली 20-20 हुंडई क्रिएटा के मालिक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को 2 दशकों से ज्यादा समय से हुंडई मोटर इंडिया
का चेहरा है। शाहरुख खान ने 1998 में कोरियाई ऑटोमेकर के साथ अपने सहयोग की शुरुआत की जब वह सेंट्रो के टेलीविजन कमर्शियल में नजर आए थे। 22 सालों बाद शाहरुख खान एक बार फिर हुंडई के कार्यक्रम में नजर आए जब पिछले महीने हुए ऑटो एक्सपो 2020 में सेकेंड जनरेशन क्रेटा को पेश किया गया था। 16 मार्च को कार के आधिकारिक लॉन्च के ठीक बाद हुंडई इंडिया के प्रबंधक ने मुंबई में शाहरुख खान को एक नई 2020 क्रेटा की चाबी सौंपी। महाराष्ट्र सरकार का अनोखा आदेश, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नहीं होगी जांच। कोरोना वायरस मामले की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने शराब पीकर ड्राइविंग के मामले के परीक्षण के लिए ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग को फिलहाल निलंबित कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क को कम कर वायरल को फैलने से रोकने की संभावनाओं को कम करना है। उन्होंने कहा कि हमने ब्रेथ एनालाइजर उपकरण के इस्तेमाल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। भोजपुरी को 8वीं सूची में लाने के लिए जल्द पास होगा बिल। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने अपने बिहार दौरे के दौरान राज्यपाल से मिलकर भोजपुरी सिनेमा और भाषा के विस्तार के लिए बातचीत की है। साथ ही भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का भी प्रस्ताव दिया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़े सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।